आपको पढ़ा क्या रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब बताया था, कुछ नहीं होता बाबू। इक्वेशन तो आपको बताए थे बाबू, इक्वेशन क्या होता है सर? कोई भी टर्म है बाबू, कोई भी टर्म है, अगर इक्वल टू साइन से अटैच है तो जैसे इक्वल टू साइन रहेगा तो इधर कुछ ना कुछ रहवे करेगा, जीरो रहेगा या एक्स बाई जेड कुछ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू? इक्वेशन कहेंगे, है ना, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट बाबू। अब इक्वेशन कहेंगे बाबू तो यहाँ पे वेरिएबल हम लोग देखेंगे, है ना, वेरिएबल पे पावर कितना, तो वेरिएबल पे पावर क्या बाबू? वन है। जैसे अगर इस तरह से रहता बाबू, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो रहता, तो यहाँ वेरिएबल एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल कहते, तो यहाँ वेरिएबल पावर क्या है? टू है। तो अगर वेरिएबल पे पावर अगर वन है बाबू, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे सर? लीनियर इक्वेशन कहेंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक, इक्वेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए बाबू। इक्वल दो टर्म बाबू इक्वल टू साइन से अटैच है तो उसको इक्वेशन कहेंगे। लीनियर का मतलब पता होना चाहिए सर, कि लीनियर का मतलब क्या होगा? वेरिएबल पे पावर वन होगा उसको लीनियर कहेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आता। एक बाबू मान लो अगर इस तरह से एक्स बाई प्लस बाबू सेवन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ इक्वेशन वेरिएबल कई गो वेरिएबल है बाबू, ओनली वन वेरिएबल है, और कुछ दिखाई दे रहा नहीं? दिखाई दे रहा है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा बाबू? वन वेरिएबल हो जाएगा। क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन बाबू वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल। कोई भी अगर वर्ड है, स्टेटमेंट है बाबू, तो आपको हर एक वर्ड का मतलब पता रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, तभी तेज होगा। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हर एक वर्ड का मतलब होना चाहिए। इक्वेशन क्या सर? दो गो टर्म बाबू इक्वल टू साइन से अटैच है तो उसको इक्वेशन कहेंगे। लीनियर क्यों सर? इसलिए बाबू की पावर अगर सारे जगह वन है तो उसको लीनियर कहेंगे। वन वेरिएबल क्यों सर? इसलिए बाबू की वेरिएबल यहाँ पे आपको एक के को यूज है एक्स, इसमें देखो बाबू कितना वेरिएबल है, इसमें बाबू दो वेरिएबल यूज है, तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्टार्टिंग में आपको हम बताएं। ठीक है ना, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा? टू वेरिएबल हो जाए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ एक वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पावर टू रहता, जैसे यहाँ पावर वन होता, उसी तरह से शांति से एकदम समझना है, समझना है, मन तन से समझना है ना, यहाँ पावर टू रहता सर, तो इसको लीनियर नॉइज कहते, इसको लीनियर नॉइज कहते, तो क्या कहते सर? इसको हम लोग नाम देते बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देते बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको नाम देते। क्या देते इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम देते। पावर टू आ गया ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या नाम देते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताएंगे इसका भी, बताएंगे थोड़ा सा बर्दाश्त करो, ये भी बताएंगे, है ना। हो गया प्रखर आपका शुरू बाबू, प्रखर ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड हो गया ना शुरू, वीडियो बंद का झंझट, इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो आपको हम क्या बता रहे बाबू? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बता रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको हम करवा चुके हैं, बहुत सारे एग्जांपल क्या करवा चुके हैं ना, करवा चुके इसमें बाबू। अगर सर, अगर सर अभी तक कैसा कैसा बच्चा वाला क्वेश्चन करवा चुके हैं, मतलब क्या सर? शांति से सुनो, अगर बाबू इस तरह से रहे, जैसे एक्स प्लस मान लो बाबू, मान लो ऐसे रहे बाबू, एक्स प्लस थ्री आप प्लस बाबू कितना रह जाए, है ना, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू मान लो बाबू जीरो, तो इसको एलसीएम लेकर आपको आता है, इसको बाबू यहाँ से एक्स वैल्यू निकालने कहेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स का वैल्यू निकालो, ऐसा का हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या था वो? नेक्स्ट टाइप क्या था? अगर सर इसको उलट दें, मतलब क्या बाबू? एक्स बाई थ्री, तो अगर थ्री बाई इसको एक्स कर दें, ये फाइव बाई एक्स है बाबू, तो इसको अगर एक्स बाई फाइव है तो इसको अगर फाइव बाई एक्स कर दे, है ना, इक्वल टू जीरो कर दे, तो यहाँ से एक्स के वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, है ना? तो थोड़ा सा डिनोमिनेटर में एक्स आएगा ना, उसका उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ना, कर लेते हैं बाबू, ताकि हमको आसान हो जाए, आसान है ना। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे बाबू, सबसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आर्यन दो दो सिस्टम से कनेक्ट कर लो शैतान। अभी जानवी शर्मा नहीं आई है, सानवी नहीं आई है, ठीक है, ठीक है बाबू। तो बाबू पहले हम लोग डिनोमेटर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी लिखना नहीं, लिखो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए बाबू, है ना, डोंट राइट एनीथिंग बाबू। आज आपके पास गए थे मिस्ट्री बाबू, ठीक है, वो उसके यहाँ गए थे, अंकित के यहाँ, तो वहीं पे गए थे, लेकिन नहीं कोई मिल पाए बाबू। कैसे मम्मी से बात हो रहा है? हाँ बाबू, तो आपके भाई कॉल, एक बजे डेढ़ बजे के आसपास बाबू आपका भाई कॉल उठाया था, टू बाई एक्स बाबू, मैं स्कूल में थी ना इसलिए। हाँ थ्री बाई एक्स बाबू इक्वल टू कितना बाबू? मान लो मेरा कितना दिया सर? जीरो दिया हुआ, इस तरह से दिया। अब कह रहा बाबू कि यहाँ से क्या निकालिए? एक्स की वैल्यू निकालिए। क्या कहे बाबू? एक्स की वैल्यू निकाले, है ना बाबू। क्या कहेगा क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कहेगा बाबू? फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बाबू एक्स की वैल्यू निकाले, है ना, ठीक सर। तो देखो बाबू कैसे करोगे, तो बाबू इसको एकदम बच्चा वाला चीज है, बच्चा वाला चीज है। क्या दिया हुआ सर? टू बाई एक्स दिया हुआ सर, अब प्लस कितना दिया हुआ? थ्री बाई एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ, ठीक। हाँ सर, अब बाबू ऐसा ऐसा का आपको एडिशन आना चाहिए, टू बाई एक्स और थ्री बाई एक्स का एडिशन आना चाहिए। सब एडिशन ऑलरेडी बाबू हम बता चुके हैं, कहाँ सर?
अलजेब्रा के एडिशन में है ना, अलजेब्रा वाला एडिशन चैप्टर जो पढ़ा है ना, अलजेब्रा का एडिशन उसी में बता चुके हैं। तो यहाँ एक्स एक्स है बाबू, यहाँ एक्स एक्स है, तो इसका पहले एलसीएम ले लो, एक्स एक्स का एलसीएम कितना होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक ठीक सर, अब यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो न्यूमरेटर में टू है बाबू, एक्स एक्स को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे सैतान, एक्स डिवाइड बाई एक्स तो कितना आएगा, वन आएगा, वन आएगा है ना, तो वन आएगा, तो जो डिवाइड करके रिजल्ट आएगा वो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको लिख दो, प्लस बाबू एक्स एक्स को डिवाइड करो तो कितना आएगा सर, वन आएगा, वन आएगा, न्यूमरेटर में जो उसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू कितना बाबू, जीरो। ठीक ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, ये बाबू कितना हो गया, टू प्लस थ्री, वन वन इंटू टू बाबू, वन इंटू थ्री, तो टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव हो गया, तो फाइव बाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया है ना बाबू, जीरो हो गया। ठीक ठीक सर, ठीक सर, ठीक है बाबू। तो ये सोल्यूशन जो है ना, ये सोल्यूशन डिफाइन नहीं होगा बाबू, ये सोल्यूशन आपका डिफाइन नहीं होगा है ना, डिफाइन नहीं होगा, क्यों बाबू, कि देखो बाबू इसका सोल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए सैतान, इसलिए सैतान कि मान लो कि अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालो बाबू, x की अगर वैल्यू निकालोगे, ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बाबू आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है, तो यहाँ बाबू ये इक्वेशन वैलिड है ही नहीं, इक्वेशन सही नहीं है, इक्वेशन सही नहीं है सैतान, क्यों नहीं सही है सर, क्यों नहीं सही है बाबू, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमीटर जीरो के नीचे नहीं कुछ है तो वन है, तो अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फाइव मल्टीप्लाई वन बराबर कितना होगा, जीरो मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा है ना। अब जीरो में शैतान किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते बाबू, जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो फाइव बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया, ये कभी पॉसिबल ही नहीं बाबू, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो पांच के बराबर हो जाए, जीरो क्या है बाबू, पांच के बराबर हो जाए ना बाबू, डिफाइन है नहीं है ना बाबू, तो इस इक्वेशन को बाबू थोड़ा सा बाबू आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा तभी होगा है ना, ये इक्वेशन से हमारे एट रैंडम ले लिए थे बाबू है ना, ये बाबू पॉसिबल ही नहीं बाबू, ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जब भी क्वेश्चन देगा सर, शांति से सुनो, जब भी क्वेश्चन देगा बाबू तो आपको वैल्यू निकलेगा, निकलेगा, ऐसा का वाला नहीं देगा है ना, वो अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, जैसे क्या सर, नेक्स्ट बाबू, ये बाबू एट रैंडम लिए थे तो आपको ऐसा आ गया, ठीक है ना, नेक्स्ट बाबू, ये वाला 27 नंबर भी लिखेंगे, सब लिखना, सब लिखना, ठीक है ना, अभी पहले समझाने दो, ठीक है, जैसे क्या है सर, 2/5x है बाबू, माइनस बाबू क्या कर रहा बाबू, 5/3x कर रहा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तीन को पहले समझो शैतान, उसके बाद लिखना, 1/15 है, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ से बाबू कह रहा कि x की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, x की वैल्यू निकालो है ना, तो देखो आराम से समझो, जिसको जिसको दिक्कत है आराम से समझिए है ना बाबू, कौन कौन आया शैतान, जानवी दास प्रधान है, मिष्टी है, धर्मवीर है, हाँ बाबू पीजिए, खाते जाइए, पीजिए जाइए, पीते जाइए, ठीक है, कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो पहले बाबू इसको क्या है, देखो 2/3, 2/5x है और 5/3x है, तो पहले एलसीएम लेना, क्या लेना शैतान, एलसीएम लेना, किसका सर, किसका सर, 5x बाबू, पहले एलसीएम किसका लेना सर, एलसीएम ऑफ बाबू, डिनोमिनेटर जो रहेगा उसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम ऑफ बाबू 5x बाबू एंड 3x, कौन होगा, कौन बताएगा, 5x और 3x का एलसीएम कितना होगा, बताओ तो बाबू, 15x, 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 कितना होगा बाबू, 5x और 3x का एलसीएम सर 50, 50, 15, 15x, 15x, क्या होगा जानवी दास, 15x, हाँ बाबू 15x, ये सब बता चुके जब आप लोग 21 साल थे ना बाबू, जब आप ABCD सीख रहे थे उसी समय बताया है ना, स्टार्टिंग में बताए, 5x और 3x का एलसीएम कितना होगा बाबू, 15x, कितना होगा शैतान, 15x हो जाएगा, ठीक ठीक, अरे इसको सिंपल सा सबट्रैक्ट करना, नेक्स्ट बाबू, तो ये इसका एलसीएम कितना हो गया, 15x है ना, तो ये 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, समझो समझो यहाँ पे कंसेप्ट है बाबू, 3 × 5 × x, अरे शैतान 5 × 3, 15 हो गया, x हो गया है ना। अब देखो बाबू, अब हमको न्यूमिनेटर में लिखना है, देखो कैसे कैसे लिखना, समझना बाबू, समझना धर्मवीर बाबू, यहाँ 5x है सर, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है सर, 5x है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है सर, 5x ये वाला है ना बाबू, तो जो मिल जाता है इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बाबू, ऐसी करके सिंप्लीफाई करोगे तभी आपका बाबू कंसेप्ट क्लियर होगा वेरिएबल का बाबू, एडिशन, ठीक है ना, वेरिएबल का एडिशन, यहाँ डिनोमिनेटर में 5x है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5x है, तो 5x मिल गया, बचा क्या बाबू, 3 बच गया, तो जो बचेगा बाबू उसको यहाँ लिख देना है, ठीक, जो बचेगा वो यहाँ लिख देना, न्यूमिनेटर वाला जो नंबर है बाबू वो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक,
समझो समझो बाबू, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बाबू, ये सब बेसिक कंसेप्ट पहले ही शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बाबू माइनस है, देखो यहाँ 3x है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3x, तो इसके डिनोमिनेटर में 3x कहाँ है सर, ये 3 है बाबू, ये x है, क्या नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं, तो 5 लिख देंगे, ठीक बाबू। अब मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में क्या है सर, 5, तो मल्टीप्लाई 5 कर दो। नेक्स्ट बाबू 1/15 है ना, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना 25 हो जाएगा, और 3 × 5 × x कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा शैतान, 16 − 25 कितना होगा, −19 होगा, ये सब तो हमारे बच्चे सब है ना बाबू, आइए 15x = 1/15। अब यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे बाबू, तो डिनोमिनेटर में यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं ना, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, और नहीं समझ में आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो शैतान, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट बताए, तो −19 बाबू × 15, ये 15 इसे मल्टीप्लाई होगा, 1 से 15 मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 15x हो जाएगा, तो 1 × 15x का किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर होगा, वही नंबर होगा, तो कितना हो जाएगा −19 बाबू × 15 बराबर कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। अब बाबू 15 क्या आ जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई में किधर आएगा, तो किस में होगा, डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा, सेकंड डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा, तो इसके बाद यहां से इधर लिखना है, तो कितना हो जाएगा −19 हो जाएगा बाबू मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये 15 इधर डिनोमिनेटर में आएगा ना बाबू, 15 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा −19 हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, x बराबर 19 क्या हो गया बाबू, सॉल्यूशन हो गया। कीजिए बाबू मिस्टेक, समझे मिस्टेक, नहीं समझे, नो सर नहीं समझे, नहीं समझे बाबू, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वाला नहीं पढ़ाया गया मिस्टेक, सर पढ़ाया गया है मगर ना आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला थोड़ा उससे से समझ में नहीं आया। अच्छा बाबू चलो ठीक आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, धर्मवीर बाबू समझा कि नहीं समझा, समझे सर, तो नहीं पढ़े थे डिनोमिनेटर वाला बाबू सर, हाँ ये यहाँ पे टॉप में 9 मिनट और बाकी है दिखा, हाँ बाबू 9 मिनट आप लोग पहले से कनेक्ट हो गए होगे शैतान, सर मैं तो 2 मिनट पहले दिन हूँ, शर्मा एक है जे, ओम शर्मा जे, वो तो दिन भर कनेक्ट रहता है, नहीं सर मैं दिन भर नहीं रहता हूँ, अरे बाबू जब देखे ओम शर्मा हाजिर रहता है, सर क्लास स्टार्ट होने से 15-20 मिनट पहले कनेक्ट रहता है सर, हाँ बाबू तो बढ़िया बात है ना बाबू, एक्टिव रहता है ना, आप तो सोए हुए रहते हो, कम से कम एक्टिव रहता है ना, उसको टेंशन हमको क्लास करना छूटे नहीं, चलिए लिखे राइट डाउन कीजिए, सर अटेंडेंस का टेस्ट कब लीजिएगा सर, संडे को, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, इसमें शान भी नहीं आई है, मालिक के लिए ले लीजिए ना, अच्छा ठीक है देखते हैं, ये सर शान भी ले लीजिए, पार्टी क्वेश्चन तो होता है सर, नहीं बाबू सिलेबस उसमें पिछवा जाते हैं शैतान, पिछवा जाते हैं ना, पांच ही क्वेश्चन होता है सिलेबस पिछवा जाते हैं, बहुत पढ़ाना अभी, अभी बहुत पढ़ना बाबू, आप लोग के स्कूल वाला पढ़ाना रहता है, बहुत दिन ही खत्म कर देते, अभी बहुत पढ़ना, जल्दी से राइट ऑन करो, एक सानवी नहीं है एक ज्योति नहीं है, तो ज्योति का तो बाबू दीदी के पास जाती है ट्यूशन पढ़ने, जाइए दीदी के पास, खिस्सा गलाइए बाबू, कहानी स्टोरी कीजिए, जानवी शर्मा वीडियो ऑन कीजिए बाबू, नहीं वीडियो ऑन करोगे ना, अभी तो आएंगे तब रुला के आएंगे, ठीक है ना, अभी आए ना जानवी शर्मा इस संडे को तो रुला देंगे आपको, क्योंकि मार्क्स भी कम आता है, वीडियो भी ऑन नहीं रहता, खाली शैतानी करती हो, हम तो और टीचर की तरह पढ़ाते नहीं बाबू, हम जितना भी पढ़ाए उसका कमांड चाहिए हमको बस, सर वीडियो तो ऑन ही रहता है सर, हाँ देखते नहीं कितना ऑन करते जो,
धर्मवीर आप क्यों बंद कर लिया कौन खुशी में बाबू? नेक्स्ट बाबू ये वो करके दिखाओ तो कौन दिखाता किसको किसको समझ में आया? 2/3x है बाबू, माइनस बाबू कितना है? 3/2x है, इक्वल टू कितना दिया बाबू? 1/12 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 और कौन से आपके बाबू बच्चा वाला बुक में एलकेजी के बुक में? सब एलकेजी क्लास का बुक है। जल्दी करो भाई बहू, एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दिए थे बनाने लगे एक दिन, वो वाला करवा देते आप लोग को, नहीं बना होगा वो वाला समझा देते उस टाइप का। नहीं बना था मुझसे। इसका भी दो मेथड होगा शैतान, इसका भी दो मेथड होगा, इसको हम सेकंड मेथड को पहले एलसीएम लेके बनाते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड बना देंगे, इसको दोनों मेथड से बना देंगे, है ना? इसका एलसीएम लो, आंसर आ गया। इसका एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ए प्रखर समझ में आता है बाबू? प्रखर प्रखर सर x का वैल्यू 10 आएगा। गलती बना रही तब वीडियो बंद करके बनाती हो शैतान कहीं का। नहीं तो बंद कैसे हो जाता? आप प्रखर प्रखर छुट्टी छुट्टी ना चिल्लाएगी, मम्मी इसका सुबह सुबह डोज दिया आप हो गए शाम। जिसको छुट्टी जाए बाबू अपने पेरेंट्स से बात करवाइएगा। सर -10 तो आ रहा है x का वैल्यू। हाँ -10 आएगा, 10 नहीं आएगा -10 आएगा। लिख लिया दीदी ये यहाँ तक 29 नंबर को कौन से मेथड से बनाएंगे? कोई मेथड से बनाएंगे? 29 बना रही हूँ। हाँ बना 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 बाबू बना 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 जल्दी बना बनाइए जानवी दास हमारी, थोड़ा जल्दी कीजिए बाबू, बना बनाओ धर्मवीर बाबू, इतना देर बाबू थोड़ा तेज बनो ना। सर x = -10 दिखा तो शैतान, फिर से बना दीजिए, बता दीजिए कुछ। अच्छा बता रहे हैं, दिखा तो सुर में सुर खाली मिला देती है, करने भागे प्रखर। सर चली गई सर। हे प्रभु देखिए बाबू दो मेथड से बता देते, दो मेथड से बना देते, दो मेथड से -10। वेरी गुड बाबू, देखो सर हम क्या करेंगे बाबू, एलसीएम ले लेंगे। पहले क्या ले लेंगे बाबू? एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी एलसीएम ले लो, एलसीएम बाबू 3x बाबू एंड 2x कितना हो जाएगा? 3 2x का एलसीएम कितना सर? 6x 3 × 2 × x 6x है ना? ठीक सर। अब बाबू क्या है ना, तो मेरा एलसीएम कितना हो गया सर? 3 × 2 × x ऐसे क्यों लिख रहे हैं? अभी समझा रहे हैं कैसे क्यों लिख रहे हैं, हमको यूज है ऐसे लिखना है इसलिए लिख रहा है। अब देखो यहाँ से डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर से मिलाओ, जो जो मिल जाएगा उसको छोड़ देना। यहाँ 3 है सर, यहाँ 3 है सर, यहाँ 1 है सर, यहाँ 1 है सर, तो यहाँ क्या नहीं है सर? इसमें 2 नहीं, यहाँ 2 है ना बाबू, इसमें 2 नहीं है, तो जो इस पे नहीं है बाबू, इस टर्म में नहीं है, उसको यहाँ ऊपर लिखो, 2 लिख दिया, ये 2 बच गया। न्यूमरेटर में जो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया, तो 2 × 2 माइनस बाबू यहाँ 2 है सर, तो यहाँ भी 2 है सर, यहाँ एक्स है सर, तो यहाँ भी एक्स है सर, तो यहाँ यहाँ 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो 3 लिख दो, और ये न्यूमरेटर में 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू कितना? 1/12 हो गया। ठीक नेक्स्ट बाबू, 2 2 कितना होगा? 4 होगा, और 3 3 कितना होगा? 9 होगा, और ये 3 × 2 कितना होगा? 6 होगा, x हो गया, 1/12 हो गया। नेक्स्ट बाबू 4 − 9 कितना होगा? -5 होगा, तो -5/6 हो गया, 1/12 हो गया। इसका आंसर आएगा -10।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको हाँ इसको इधर करो और इसको इधर करो, है ना शैतान? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 12 into -5 -16 हो जाएगा, आई 6 into 1 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब वो 6 के साथ x क्या मल्टीप्लाई में, 6 के साथ x मल्टीप्लाई में, तो ये 6 इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो कैसे करो बाबू, -6 बाबू अपॉन -60 अपॉन 6 बाबू इक्वल टू x, ये बाबू इसको कैंसिल कर दो तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया बाबू, -10 आ गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट, अभी सेकंड में कर दे। हाँ बाबू बोल, हाँ दित्री बोलिए, बोलिए ना बाबू, बोलिए ना सर। आपने जो 60 लाया मैंने तो अलग मेथड से किया है, जो आपने बताया था 28 मेथड मैंने वैसे ही किया है। इसको काटे बाबू, 62 जा, 6 को 12 से इधर कट कर दियो, कट कर दियो हो। मैंने ऐसे किया है, मैं दिखाती। अच्छा ठीक, अच्छा देखते हैं बाबू, देखते हैं देखते हैं। नेक्स्ट बाबू सेकंड मेथड, एक मिनट में वीडियो बंद होगा, पुनः अगेन करने। हाँ सर, आपने जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वहाँ 6 1 6 होगा। ये 6 है, आई ये 60 है सेतान, 60 है, तो 60 अपॉन 6 तो 10 आ गया, -10 आ गया। कहाँ दिक्कत हो रहा जानवी दास? सर मेरा सेम आंसर आया पर मैंने अलग मेथड से किया है। अच्छा ठीक है बाबू, देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते। इसका सेकंड मेथड देखो शैतान, सेकंड मेथड देखो, देख लेते बाबू, देख लेते हैं। एक मिनट में वीडियो बंद होगा, आप लोग अगेन कनेक्ट करना, ठीक है ना? सेकंड मेथड क्या है सर? हम मेरा एलसीएम ले लेना, क्या लेना बाबू? एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना। किसका सर? 3x बाबू एंड बाबू 2x का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक, जो भी एलसीएम आएगा इसके हर एक न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ बाबू, नाउ बाबू, नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये 2 by 3x है बाबू।